आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉइसन्स रेशियो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एन दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? पॉइसन्स रेशियो इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है कोई एल और बी लेंथ का, तो इस पर हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाइड है मेरे पास। ओके, क्योंकि स्ट्रेस एक्सटेंसिव स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेस है, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, लंबा हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। और इधर से क्योंकि इधर क्या है, इधर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इधर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द एक्चुअली माय, जो भी डेल्टा एल डिफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज माय क्या है, दैट इज माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, और जो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज माय ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ओके, सो इट इज माय, इट इज अ रेशियो ओनली। सो इट क्या है, रेशियो ही तो है। सो एक्चुअली अगर मैं बोलूं पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, तो दैट विल बी माइनस ई वन, ओके, और ई टी ट्रांसफर स्ट्रेन अपॉन ई एन। ई टी इज द ट्रांसफर स्ट्रेन मैं मान रहा हूं, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन। अब पूछे कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया। अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया था, इफ टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड, टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड, तो जिसकी वजह से होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस करते क्या, इंक्रीज इन द लेंथ करते हैं, लेंथ को बढ़ाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज पॉजिटिव। बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो पॉजिटिव हुआ, पर सिंस टेंसाइल स्ट्रेस करता है क्या, ऑब्जेक्ट को लॉन्ग करता है और थिनर करता है, सो थिनर की वजह से दिस ट्रांसवर्स विल ट्रांसवर स्ट्रेन विज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन। सो ट्रांसवर्स स्ट्रेन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंथ इज डिक्रीजिंग हियर, तो लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज नेगेटिव एज ऑब्जेक्ट गेट्स थिनर एंड longer when applied tensile strain, tensile stress. Okay, so tensile deformation के लिए Poisson's ratio positive होगा, for compressive deformation it is negative. Okay, और मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर ये हमेशा negative ही क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे compressive stress apply करूँगा तो इसमें क्या होगा, length छोटी बनेगी, तो मेरा longitudinal stress negative होगा, पर वो thick बनेगा, फिर transverse strain positive हो जाएगा, so it is always opposite. So that is why this is the significance of negative sign in the Poisson's ratio. Okay. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।